खुशामदीद नाजरीन। हैदराबाद सिटी पुलिस की जानिब से लॉकडाउन में ड्यूटी अंजाम दे रहे पुलिस अमले में फ्लास्क, सैनिटाइजर्स और दीगर चीज़ें तकसीम किए गए। लॉकडाउन का दूसरा दिन और आज सुबह ईस्ट जोन, सेंट्रल जोन के सभी चेक पोस्ट इम्पॉर्टेंट एरियाज में देखने के बाद मेहंदीपट्टनम वेस्ट जोन में हमारे कुछ ऑफिसर्स को एनकरेजमेंट के लिए फ्लास्क, सैनिटाइजर्स, मास्क और इन सब चीज़ का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, जिसमें हमारे फिलैंथ्रोपिस्ट कुछ लोगों ने मदद किया हम लोगों को। जॉइंट सीपी वेस्ट जोन एआर श्रीनिवास साहब के लीडरशिप में पिछले दो दिनों से जो लॉकडाउन का अच्छा इम्पैक्ट है वेस्ट जोन में, उसके लिए मैं सभी को बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस कहता हूँ। कल ईद उल फितर का दिन है और सबसे पहले तो हैदराबाद सिटी पुलिस की तरफ से हम तमाम मुस्लिम भाइयों और बहनों को ईद उल फितर की मुबारकबाद पेश करता हूँ। जैसा कि आप जानते हैं, ईद उल फितर एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट, बहुत इम्पॉर्टेंट अच्छा फेस्टिवल है, लेकिन आज अभी बदले हुए हालात में हम लोगों को प्रिकॉशन लेना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए कल एक वेबिनार, एक कंप्यूटर पे मीटिंग हुई, जिसमें कि हैदराबाद के सभी प्रोमिनेंट इम्पॉर्टेंट मौलाना इमाम और उनके साथ हमारे ऑनरेबल MP साहब, हमारे होम मिनिस्टर साहब और हमारे साथ डिपार्टमेंट के कमिश्नर ऑफ पुलिस राजकोंडा महेश भागवत साहब ने भी शरीक किया और हम लोग सब ने अपील किया और ये डिसाइड किया कि कल के फेस्टिवल के टाइम में मस्जिद में प्रेयर केवल जो वहाँ के इमाम हैं, जो वहाँ के क्लर्जी हैं, वो अपने साथ दो लोगों के साथ करेंगे, तीन लोगों के साथ करेंगे। आवाम, कॉमन पब्लिक अपने घर में ही नमाज अदा करे तो अच्छा है। अभी 10 दिन का जो ये लॉकडाउन है, इसका पर्पस है चेन ऑफ इन्फेक्शन को ब्रेक करना, एक इंसान से दूसरे इंसान में जो ये वायरस फैल रहा है उसको रोकना, और इसको रोकने के लिए ये लॉकडाउन बहुत ज़रूरी है। जैसा कि आप जानते हैं, गवर्नमेंट के एफर्ट के द्वारा, इंटर डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन के द्वारा और पब्लिक सपोर्ट से आज की तारीख में हैदराबाद शहर में पॉजिटिव केसेस बहुत कम है। जब इसका कंपैरिजन दिल्ली, बॉम्बे, बेंगलोर, चेन्नई से करते हैं तो हैदराबाद का पॉजिटिव रेट भी बहुत कम है, हैदराबाद में डेथ रेट भी बहुत कम है, लेकिन फिर भी जो भी कुछ है उसको और भी कम करना है, और इसके लिए ये 10 दिन के कॉपरेशन के लॉकडाउन में आपका कॉपरेशन बहुत ज़रूरी है। आपको थोड़ी दिक्कत ज़रूर होगी, लेकिन ये दिक्कत आपके सेफ्टी, आपके सिक्योरिटी, आपके हेल्थ के लिए हम लोग कर रहे हैं। इसलिए मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ कि आने वाले 10 दिनों में फुली कोऑपरेट करिए और लॉकडाउन को सक्सेसफुल बनाइए। थैंक यू। Every child's success story starts here, like a multifaceted diamond. Every student who steps into success school shines with brilliance, sculptured by teachers, polished to perfection. If opportunity does not knock, I will build a door. To us, success comes in cans, not in cans. Success is falling 9 times, getting up 10. Some people dream of success, others put their heart and soul into working for it. Success, finding oneself.